Hey everyone, welcome back to my channel Fashion Lover Tanushri. And yes, I'm Tanushri. Hope you all are doing great. And मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो कर रही हूँ और आज एक स्पेशल डे है इसलिए मैंने सोचा आज तो मुझे वीडियो बनाना ही चाहिए. कुछ दिनों के लिए मेरा तबीयत भी ठीक नहीं जा रहा था, मैं बिजी भी हो गई थी इसलिए नहीं कर पा रही थी और मैं आप सबको बहुत मिस भी कर रही थी क्योंकि बहुत दिन अगर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज आप लोग भी मेरी फैमिली हो ना, तो इसलिए. और आज का स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है, तो इसलिए मैंने सोचा ही था कि मैं एक ब्लॉग टाइप में एक वीडियो बनाऊंगी. आज आप सबके साथ ढेर सारी मैं बातें करूंगी. तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. एंड मैं सारी मदर्स को बताना चाहती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि माँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक हमारी सपोर्ट सिस्टम होती है. मैं अपनी बात बता सकती हूँ, मैं 24 घंटे में ना मैं अपने मामा के साथ ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तो झगड़े कर ही लेती हूँ, किसी ना किसी वजह को लेकर, ये वजह वो वजह कर ही लेती हूँ. बट फिर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी ज़रूरत हो तो उन्हीं के पास जाती हूँ, क्योंकि माँ होते ही ऐसे हैं, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है. हमारी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी ज़रूरत होती है, सबको मतलब सब वो लोग उसकी सारी कमी जो होती है सारी पूरी कर देते हैं. सो या और मदर्स डे जो होता है, मदर्स के लिए जो डे होता है एक्चुअली वो 365 डेज ही होता है. एक्चुअली कोई स्पेशल डे नहीं हो सकता क्योंकि सारी दिन ही माओं का दिन होता है. तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे आप सबको. और आज का जो दिन है आप सब अपनी मम्मा के साथ ज़रूर बहुत अच्छे से इन्जॉय कीजिए, मैं भी करूँगी. और इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे आप सबको भी विश करना था. तो या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना आप लोगों ने कैसे इन्जॉय किया. तो या मैं वेट करूँगी आप लोगों की कॉमेंट के लिए. और इसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा है कि कुछ हॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और एक मिनी हॉल ही है ये, और बहुत सारे इधर उधर की प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ डेली स्किन केयर रूटीन की प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ. तो वही मैं शेयर करूँगी सबसे पहले. और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक फेयर हो रहा था, अभी भी चल रहा है, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाई है तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी. तो या चलिए अब हॉल पर हम मूव ऑन करते हैं. तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये वाला प्रोडक्ट, ये है रोज़ वाटर और ये है लस नेचुरल्स का चैत्री रोज़ वाटर रिफ्रेश एंड रिवाइटलाइज. और ये कहता है कि नेचुरल बोटानिकल इंग्रेडिएंट से बना है, आयुर्वेदा है, प्योर रोज़ वाटर है. तो इसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ. मैंने एक ही बार इसे यूज़ किया है तो मैं इसका ज़रूर रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी. मैं इसे फ़र्स्ट टाइम लिया है, पहले कभी यूज़ नहीं किया था. तो या ये कहता है कि ये प्योर रोज़ वाटर है, डिस्टिल वाटर से बना है. डिस्टिल यहाँ पे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख सकते हो. यहाँ पे इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स है, उसके बाद नीचे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है. और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 2 साल का है. तो या 2 साल का मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. यहाँ पे बताया गया है कि 18 पे ये बना है, 18 की एंड पे बना है और 2020 तक ये रहेगा, 2020 तक ये रहेगा. तो 2 साल इसका शेल्फ लाइफ है यहाँ पे लिखा हुआ है. और इसका जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़, लेकिन मुझे 160 में मिला है. और यहाँ पे 200 ml का प्रोडक्ट है. तो या और सबसे अच्छी बात जो ये है, ये एक स्प्रे टाइप की बॉटल में आता है तो आप लोग इसे कैरी भी कर सकते हो अच्छे से. और इसे आप लोग ऐसे एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो, फेस मिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो. स्प्रे टाइप में है तो कभी भी जब आपका फेस डल लगे, आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड लगे, आप इसको ट्राई कर सकते हो. तो मैं भी ट्राई करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसा वर्क करता है. मैंने एक ही बार ट्राई किया हुआ था तो या और फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया तो इसका जो स्मेल मुझे अच्छा लगा, बहुत ही माइल्ड सा सूती सा
सा एक स्मेल है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है वो लोग इसे ट्राई कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। तो यह देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो मैंने नया ट्राई किया है, और नेक्स्ट जो मैं ट्राई करने वाली हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है अब, ये है पॉन्स का सनस्क्रीन जो नया लॉन्च हुआ है, यानी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, और बहुत सारे यूट्यूबर इसके ऊपर रिव्यू भी दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार इसे ट्राई करती हूँ, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, 99 रुपीज़ का आता है, और यहाँ पे आपको 35 ग्राम का प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यार इसके पीछे भी सारे इन्ग्रीडियंट्स लिखा हुआ है, येलो कलर की इस तरीके की फॉर्मिंग आता है, और इस तरीके से ओपन होता है ये इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं है, अच्छा पैकेजिंग है इसका, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये कहता है कि SPF 30 है, जो PA+ UVA UVB प्रोटेक्शन के साथ आता है, और नॉन ऑयली सनस्क्रीन है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और ऑल स्किन टाइप है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो या मैंने इसे भी कल ही परचेस किया था, एक ही बार मैंने ट्राई किया, अभी मेरे स्किन में ये भी मैंने ट्राई किया हुआ है सनस्क्रीन। तो मुझे लगता है या ये ऑल स्किन टाइप है, लेकिन जैसे कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मेरा कुछ यूज़ ना करूँ तो भी बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। तो सनस्क्रीन लगाने की टाइम पे मुझे हमेशा यही रहता है कि ऑयल आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो सनस्क्रीन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए कहूँगी क्योंकि ये वाइट पैचेस नहीं देता, बट ये बहुत ज़्यादा नॉन ग्रीसी मैं नहीं कह सकती, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है। मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग ट्राई नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑयली स्किन वालों को बस इतना ध्यान रखना है कि आपको बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, एकदम थोड़ा सा, उससे आपका पूरा फेस जो है वो कवर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग बाहर निकलने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले इसको यूज़ करो, और निकलने के पहले थोड़ा सा अगर कम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ कर लोगी तो यू आर गुड टू गो। तो या मुझे ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे भी ट्राई करूँगी एटलीस्ट 1 वीक तक, उसके बाद मैं इसका फुल रिव्यू शेयर कर पाऊँगी। तो या ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोडक्ट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबकी पास ही होता है, एलोवेरा जेल मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने ले लिया। थर्ड जो मैंने लिया है वो भी बहुत ही वेल नोन प्रोडक्ट है, लीवन का सैशे लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ये बहुत ईजी होता है, मैं कहीं पे भी इसे कैरी कर सकती हूँ, तो ट्रैवल फ्रेंड भी है, तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से परचेज किया है। तो या ये मेरा छोटा सा जो स्किन केयर हॉल था वो ख़त्म हो गया, अब मैं आपके साथ फेयर हॉल स्टार्ट करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं फेयर हॉल में मेरे पास क्या क्या है। पी ले लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। वैसे अभी टाइम हो रहा है 12:15 समथिंग ऐसा कुछ, तो इस टाइम भी यूजुअली लोग टी नहीं लेते, बट मुझे लेना पसंद है, मैं टी बहुत पसंद करती हूँ, और मैं आप लोग देख सकते हो ब्लैक टी लेती हूँ विदाउट शुगर। तो या कोई मैं ले रही हूँ। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फेयर हॉल में जाने से पहले, मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। मैंने कुछ पहले तरीके से कुछ लुक देता है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल एक ब्रश है। इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, 80-85 कुछ ऐसा था। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। तो यार मैं इसे बहुत जल्दी किसी भी मेकअप वीडियो में इसको शेयर करूँगी, आप यूज़ करूँगी। तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे ये प्रोडक्ट। तो फेयर हॉल जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्माइली वाला जो बॉल है, ये सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट प्रोडक्ट है। इसको मैंने लिया है अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि इसको ना इस तरीके से आप हैंड मैसेज कर सकते हो, स्पॉन्ज टाइप का बॉल है, और ये इस तरीके की स्माइली में है, तो बहुत पॉजिटिविटी आता है इससे, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। और इसका प्राइस 20 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरी मम्मा को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था।
तो ये मैंने कुछ लिया है। उसके बाद मैंने कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स लिए हैं, जैसे कि फेयर में आप लोग जानते ही है बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाते हैं। उनका सारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पर कुछ कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे भी मिल जाते हैं। तो या तो मैंने लिया है ये वाला एक फॉल्स आई लैशेज, जो सिर्फ 10 रुपीज़ का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो या मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। उसके बाद ये स्पॉन्ज लिया है, इसका क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट या बहुत सारे काम में यूज हो जाते हैं। या फिर मैं कभी अगर मेकअप को चैलेंज करूँ 50 रुपीज़ के अंदर 30 रुपीज़ के अंदर, तो उसमें भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसा मैंने इसे लिया है, सिर्फ 10 रुपीज़ इसका प्राइस है। उसके बाद मैंने लिया है दो हूप ईयरिंग, एक गोल्डन में और एक सिल्वर में। एकदम छोटा साइज का जो हूप होता है वो लिया है, डेली पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो। और हूप ईयरिंग जो है हर ड्रेसेस के साथ ऑलमोस्ट चला जाता है। तो या उसके बाद एक हैंडमेड प्रोडक्ट है, फेयर में जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट लेके लोग बैठते हैं स्टॉल देते हैं, तो वही से मैंने लिया है। एक नेकलेस है, इसको आप दो तरीके से पहन सकते हो। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ अच्छा लगेगा, स्पेशली साड़ी के साथ, और वैसे ही अगर कुछ लॉन्ग टाइप की कुर्ती या ग्राउन हो तो अच्छा लगेगा। तो इसे आप इस तरीके से पहन सकते हो, बड़ा करके छोटा करके भी पहन सकते हो इस तरीके से। तो या ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो ये इसके साथ ईयरिंग भी आती है। ड्रेस के साथ तो नहीं जा रहा है उतने अच्छे से, बट ये साड़ीज़ वगैरह के साथ, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। तो और हैंडमेड प्रोडक्ट भी है, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। यहाँ पे कुछ बीट्स लगी हुई है, यहाँ पे जो ड्रेस है यहाँ पे एक मिरर मिलेगा, तो इस तरीके से है ये से। और तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 70 रुपीज़ में मुझे मिला है पूरा से, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे हैंडमेड बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मैंने वो पिक किए। उसके बाद मैंने एक ब्रश पिक किया है, आप लोग देख सकते हो मैं एक कॉम है। तो या और ऐसे टाइप के जो कॉम होते हैं वो 100 या 110 ऐसी टाइप के कुछ प्राइस में आता है। इस तरीके से लुक का जो होता है ब्रशेस मिलता है अच्छी मार्केट में, तो बहुत ही एक्सपेंसिव आता है। हाँ, इससे इनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी बराबर की क्वालिटी का ये है, लेकिन आता है वैसे उसी तरीके का एक लुक दे रहा है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इसका है, इसके पीछे मिरर है। तो आप लोग इसे जब ट्रैवल करने के टाइम पर अगर इसको कैरी करोगी तो आपका कॉम भी हो जाएगा, मिरर भी हो जाएगा, मेकअप कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत, इसका कंसेप्ट जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इस टाइप का ब्रश में मिरर मैंने देखा नहीं है आज से पहले कभी। तो या ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये कुछ बटरफ्लाइज लिए हैं। आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे जो रूम है, रूम की वॉल में बटरफ्लाइज है, तो मैंने दूसरा लिया है। तो या मुझे किसी और काम के लिए भी चाहिए, तो इसलिए मैंने लिया है। उसके बाद मैंने लिया है नेल टिश्यूज़, ये भी 10 रुपीज़ का मिला है मुझे। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट 10 या 20 रुपीज़ के अंदर ही है। उसके बाद मैंने लिया है एक ब्रेसलेट, जो कि कुछ इस तरीके का है, ब्लैक कलर का टर्सेल लगी हुई है, और बीच में यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा शेल टाइप का है, शेल टाइप का बीट्स है यहाँ पे, तो इस तरीके से है ये। और बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, ब्लैक जो है यूनिवर्सल कलर है, सारी चीज़ों के साथ आप ऐसे ट्राई आउट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैंने इसे लिया है, मेरी इस ड्रेस के साथ भी अच्छा जा रहा है। तो या एवरी डे पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये भी सिर्फ 10 रुपीज़ का था, लिया। उसके बाद मैं जो शेयर करूँगी यहाँ पे, ये ईयरिंग शेयर करने वाली हूँ मैं। एक ये वाला है, ऊपर एक स्टोन है, पीछे एक मिरर है, तो
कि इसका प्राइस 3 रुपीज़ है। इसके बाद जो मैं शेयर करूँगी और इसका प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप टाई अप कर सकते हो, मल्टी कलर में है तो कुर्तीज के साथ अच्छा जाएगा, ये ट्रेडिशनल सलवार के साथ भी अच्छा जाएगा। और एक चीज़ जो लास्ट लिया है वो है एक टेप, जिसका पूरा टेप इस तरीके से कलरिंग क्लिप से यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रिंटेड है। तो अपने हेयर को स्टाइल करने के लिए, एवरी डे के लिए या कोई पार्टी के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो ऐसे टाइप के क्लिप्स, जो ब्लैक कलर के ओरिजिनल जो बेसिक सा क्लिप होता है उसी के ऊपर कलर किया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही कलरफुल है। वैसे जो ब्लैक कलर के क्लिप्स हम लगाते हैं उसका कोई कलर नहीं आता, तो इस तरीके से आप अपने हेयर को थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही छोटा छोटा कलरफुल क्लिप्स है ये, और इसका प्राइस भी है ओनली 10 रुपीज़। सो क्यों ना ले लिया जाए, ये सोच के मैंने ले लिया। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे जो हॉल था जो मैंने लिया था आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। यही सारे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी और मैं आप लोगों के साथ बात भी करना चाह रही थी। आज एक स्पेशल डे है, मैं चाहती थी कि आज ही के दिन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना इस हॉल वीडियो में आप लोगों को कौन सा चीज़ अच्छा लगा, और मदर्स डे आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया अपनी मम्मा के साथ, और आप लोग मेरे साथ शेयर करना कि आप लोग कौन सी प्रोडक्ट की रिव्यू देखना चाहते हैं। तो या मैं आप लोगों के कमेंट के इंतज़ार में रहूँगी और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी अच्छे से अच्छे वीडियो पे। तो आप लोग मेरे साथ बनी रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और उसके बाद जो बेल बटन आता है उसे भी हिट कर दीजिए। और या मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड गाइस।